खबरों में आपका स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, आपका विकास। प्रथम चीज, यहाँ अच्छे पार्क बने। जब हमको शहरीकरण का दर्जा मिला है तो शहर जैसी नगर पंचायत दिखनी चाहिए। चारों कोनों पर चौमुखी विकास किया जाएगा, चाहे वो नाली का निर्माण हो, सड़क का निर्माण हो, गरीबों के मकान की व्यवस्था हो, बिजली पानी की व्यवस्था हो, टंकी भी बनेंगी, अंडरलाइन भी जाएंगी और पार्क प्रत्येक गांव में, जो हमारे मादरे हैं उनमें हर गांव में एक छोटा सा मिनी पार्क जरूर बने, जिससे हमारे बुजुर्ग, युवा नौजवान, माताएं बहनें सभी उनमें अपने भ्रमण के लिए जाएं, अपना थोड़ा सा समय व्यतीत करें। और जितने भी इस क्षेत्र में शमशान घाटों की बहुत सारी समस्याएं हैं, कहीं किसी ने दाब रखे हैं, कहीं किसी ने कुछ कर रखा है, वो पूर्ण नहीं है। उनको मैं अपने प्रयास से, जनता के आशीर्वाद से, यदि मैं जनता ने चुना तो स्वर्ग आश्रम बनाने का काम करूंगा। पंडित जी, गवाना की जनता के लिए आप जो है क्या संदेश देना चाहते हैं चुनाव में? मैं संदेश देना चाहता हूं कि मैं गरीब का बेटा हूं, बहुत बहुत बाहुबली चुनाव मैदान में है, उनमें से मुझे चुने और मुझे चुनेंगे तो मुझसे आसानी से मिल सकेंगे, क्योंकि मैं समाज का हिस्सा हूं, समाज में रहता हूं। मेरे पास कोई फॉर्च्यूनर, डायकोर, इंडिवर गाड़ियां नहीं है, मैं एक टूटी सी टीवीएस बाइक से घूमता हूं। जनता को सुलभ मिलूंगा और हमेशा मिलता रहूंगा। जब सब सो रहे हों तब मुझे आवाज दें, बढ़ चढ़कर उनके दुख दर्द में हमेशा खड़ा रहूंगा, सेवा में तत्पर 24 घंटे 24 आवर्स। विशाल शर्मा, रामू पंडित जी, आपका स्वागत है क्रांतिकारी खबर में, आपका स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपके लिए कि आप जो है प्रथम बार टाउन एरिया गवाना से पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं अपने आप को जी। और मुख्य मुकाबला होने जा रहा है, गवाना की नगरी राजा के नाम से जानी जाती है और इसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में है। आज उस नगरी के टाउन एरिया चुनाव में आप प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं, देश प्रदेश और गवाना की जनता आपको देख रही है कि इस प्रथम पावन धरती पर कौन चेयरमैन बनेगा टाउन एरिया का, ये अपने आप में एक अहम फैसला होने जा रहा है। शीघ्र घोषणा होने वाली है आरक्षण की, अब देखते हैं कि शासन प्रशासन से आरक्षण किस खाने में जाने की तैयारी में है। मेरे बीच में आप बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामू पंडित जी, आपने कैसे मन बनाया कि आप चुनाव में आएंगे? देखिए, मैं एक किसान का बेटा हूं और गरीब मजदूर लाचार बेसहारा लोगों को हमेशा मैंने परेशान हाल में देखा है और मैं एक गरीब का बेटा हूं। मजदूरी करके मैंने अपने परिवार को आगे बढ़ाया है और लगभग 25 साल से सक्रिय राजनीति में हूं और यह सत्य